मेजोरिटी में जाएगा तो माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक लोग में गुमराह करेगा, झंझट करवाएगा। बीजेपी ही पीछे से खड़ा कर रहा ताकि हिंदू और मुसलमान हो जाए। हम लोग शांति अमन चैन चाहते हैं, हमारी पार्टी दंगा फसाद नहीं चाहती। माननीय मुख्यमंत्री जी का पैन ही नजर होता है कि कहीं कोई दंगाई आ जाए, गलत काम करे तो तुरंत धरपकड़ होता है और अमन किया जाता है शांति को। वही लालू जी का आज तक भाजपा के सामने वो झुके नहीं है, आज तक झुके नहीं। कितना केस मुकदमा किया गया, बीमार है तो भी छापा पे छापा। जिस दिन सरकार बन रहा था, बहुमत पेश कर रहे थे, उस दिन भी भाजपा वाला लोग रेड करके छापा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये बुढ़ापा में भी बाल पकड़ लालू जी का लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते बीमार है, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है। किन के लिए? यही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए जो कमजोर है, दबे कुचलों के लिए जो गरीब है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। यही लालू जी का लड़ाई है, यही संघर्ष है, और झुके नहीं। और इस मंच के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं कि अगर हमारे पिता लड़ते रहे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ने का काम करेगा। सब क्या बनाना चाहते हो देश को, क्या बनाना चाहते हो? क्या ये लोग चाहता है देश को क्या बना दे भाई? मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना चाहता है, देश का संविधान को ही खत्म कर देना चाहता है। मुद्दा की बात नहीं करेगा। हम लोग बोल रहे हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, तो बीजेपी क्या बात कर रहा है?